आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के रतहरा बाईपास में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार वृद्ध की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे 12 वर्षीय बालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाइश देते हुए बालक को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। बाइक नंबर और मृतक के पास से मिले दस्तावेज के अनुसार मृतक ओम नारायण विश्वकर्मा रीवा के भोलगढ़ का निवासी है, जो अपने परिवार के साथ इस समय सतना के सिद्धार्थ नगर में रह रहा था। घटना के बाद पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया, जिसमें बताया गया है कि मृतक अपने नाती अंशुमान विश्वकर्मा के साथ सुरसा गांव अपने भाई के यहां मिलने जा रहा था। सुबह तकरीबन 10:30 बजे रतहरा बाईपास के समीप तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से ओम नारायण विश्वकर्मा की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने ट्रक का पीछा किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं मृतक के शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। ये बताते हैं सतना के निवासी हैं रहने वाले, जिनके भी पता करा जा रहा है, अज्ञात मृतक हैं और एक ट्रक द्वारा एक्सीडेंट हुआ, ट्रक ड्राइवर भाग गया, ट्रक मिल गया, आगे विवेचना कार्रवाई जारी है। वो उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे नंबर पता करके नंबर से फोन पे बात किया गया है, तो बताएं कि ओम नारायण जो है गए थे अपने नाती के साथ में, ये उनका एक नाती है, वो घायल है।